गाइस, तो अपना टॉपिक जो कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में है, इसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर किया करें। इसके अलावा जो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन दिया होता है, उस बेल आइकन को हिट किया करिए। हिट करने के बाद एक बटन आएगा ऑल का, ऑल के बटन को प्रेस कर दीजिए करिए। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं मेरा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस उसको कंटिन्यू करता हूं। तो यहां पे गाइस आज हम पढ़ेंगे हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्यों के प्रकार। तो गाइस यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो पांच होते हैं। नंबर एक पर आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, नंबर टू पर आता है इंटरोगेटिव, नंबर तीन पर आता है गाइस इंपेरेटिव, नंबर फोर ऑप्टेटिव एंड नंबर फाइव है हमारा लास्ट एक्सक्लेमेटरी। तो इस तरह से अंग्रेजी में हमारे ये सेंटेंसेस के फाइव टाइप्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम में जो हमसे पूछता है वो ये पूछ लेता है, सिक्स सेवन्थ एट्थ के बच्चों से ये पूछता है, टेंथ में नाइन्थ में ये नहीं आता है कि ये बताइए कि दिया गया जो सेंटेंस है वो कौन सा है। तो हम अगर हमें सेंटेंस दिया जाए तो हम उसको कैसे पहचाने। तो गाइस अगर आपको लगे कि लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लास्ट में हमें लगे कि भाई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि दिया गया सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव है। लाइक इस तरह से हमें क्वेश्चन मार्क मिलता है, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि दिया गया जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है। इसी तरह से हमें ऑप्टेटिव की पहचान क्या होती है। तो गाइस ऑप्टेटिव में हमें मिलता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और इसके साथ आता है हमारा एम ए बाई मे। अगर हमें लगे कि सेंटेंस में मे दिया हुआ है, साथ ही साथ उसके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है, तो हमें यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि दिया गया जो सेंटेंस है वो हमारा ऑप्टेटिव है। अब यहाँ पे आते हैं एक्सक्लेमेटरी में, भाई एक्सक्लेमेटरी में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है बट इसमें मे नहीं आता है। एक बार दोबारा बताऊंगा, अगर आपको लगे कि केवल मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो हमें ये समझना चाहिए कि दिया गया जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी है। अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ साथ हमें मे भी आ जाता है तो इसका मतलब ये है ये दिया गया सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव है। चलिए अब वन बाई वन इसको हम करते हैं प्रैक्टिस। तो हमने देखा गाइस हमारा पहला सेंटेंस है रोहन हैज गॉन टू मार्केट। हमसे इन्होंने कहा कि पहचानिए भाई ये सेंटेंस कौन सा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे स्टार्टिंग इसकी सब्जेक्ट से हो रही है। अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है तो गाइस उसमें जो सेंटेंस होता है वो जो सेंटेंस होता है हमारा वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमारी सब्जेक्ट से होती है और लास्ट में इसके दिया होता है फुल स्टॉप। इसी तरह से नंबर टू है हमारा, हमने देखा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप दिया है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। चलिए अब मैं आता हूँ नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट में है डू वी गो टू स्कूल। हमने देखा कि लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमसे एग्जाम में इन्होंने पूछा कि बताइए भाई ये कौन सा सेंटेंस है। तो हमने देखा भाई लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क जो आता है वो हमेशा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हम तुरंत कह देंगे, तुरंत बता देंगे कि ये जो दिया गया सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है। चलिए अब मैं आता हूँ नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग हेयर। हमसे एग्जाम में इन्होंने कहा कि बताइए कि इसमें ये सेंटेंस कौन सा है। तो हमने देखा बच्चा कि यहाँ पर व्हाट आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। चलिए अब मैं ये मान के चलता हूँ आपको क्वेश्चन वर्ड पता ही नहीं है कौन सा होता है। तो यहाँ पर एक बात रट लीजिए कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर मिल गया तो इट मींस इसमें जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब आते हैं नंबर हमारा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है कम हेयर। तो इसमें हमें ये बताना है कि बताइए ये सेंटेंस कौन सा है। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर सेंटेंस में आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या स्टार्टिंग में आ जाए गाइस डू नॉट, स्टार्टिंग में आ जाए ऑलवेज, स्टार्टिंग में मिल जाए नेवर, प्लीज, काइंडली,
तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो दिया गया सेंटेंस है हमारा वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो हमसे अगर पूछे एग्जाम में कि बताइए इसमें सेंटेंस कौन सा है, तो हमने देखा स्टार्टिंग में कम आया हुआ है, तो इसके मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो इसमें हम बताएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। स्टार्टिंग में डू नॉट आया है, बट एंड में क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए। अगर सपोज करो स्टार्टिंग में हमारा डू नॉट आ जाए, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आए, तो हमें पता है कि क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में आता है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो हमने देखा ऑलवेज स्टार्टिंग में आया है, ऑलवेज स्टार्टिंग में कहाँ पर आता है, ऑलवेज जो आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। चलिए अब मैं चलता हूँ मेरी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि स्टार्टिंग में हमारा नेवर दिया हुआ है, एग्जाम में इन्होंने पूछा कि बताइए भाई कौन सा सेंटेंस है, तो हमने देखा नेवर आया हुआ है। तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, ऑलवेज, नेवर, प्लीज, काइंडली, ये जो आते हैं हमारे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। चलिए गाइस, तो हम तुरंत बता देंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है हमारे। तो अब मैं आता हूँ गाइस नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट में मेरा पहला सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू। एग्जाम में इन्होंने कहा हमसे कि क्या करिए, हमें इसमें सेंटेंस बताइए। तो अब यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है, हमारे बचा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस बचे हुआ है, और बचा हुआ है गाइस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे दो सेंटेंस बचे हुए हैं, तो हमें पता कैसे लगे कि कौन सा ऑप्टेटिव है और कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। तो ऑप्टेटिव में क्या होता है, मे आता है, बट मे के साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर आता है। तो जहां भी मे के साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस है। चलिए देखते हैं कहाँ पर है, ये आया हुआ है मे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और कहाँ पर आया हुआ है, देखिए ये आया हुआ है मे, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ऑपरेटिव सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी में गाइस केवल मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ये डंडा बिंदी आपको मिलेगा केवल। तो डंडा बिंदी कहाँ पर है केवल, ये हम इसमें तुरंत बता देंगे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ साथ हमने ये भी यहाँ पे पढ़ा कि सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो गाइज इसको हम किस तरह से पहचाने। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसी तरह के कुछ हमारे मजेदार टॉपिक्स के बारे में।